हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इसी यूट्यूब चैनल पर। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि फ़ोटोशॉप के अंदर शर्ट का कलर कैसे चेंज किया जाता है। जैसा कि आप लोग यहां पर स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहां पर मेरे पास में एक नॉर्मल फ़ोटो है जिसका यहां पर जो शर्ट कलर है वो बिल्कुल वाइट है, और मैंने इस वाइट कलर के ऊपर यहाँ पर कुछ इस प्रकार का यहाँ पर पैटर्न दिया हुआ है, डिजाइन दिया हुआ है। तो आप लोग अपनी फ़ोटोशॉप के अंदर शर्ट का कलर कैसे चेंज कर सकते हैं, आगे हम स्टेप बाई स्टेप सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले तो इस फोटो को यहाँ से हटा देता हूँ, और इसको भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अब आपके सामने मैं यहाँ पर एक न्यू फोटो ओपन करता हूँ। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फाइल पे चलेंगे और ओपन पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पर मैं एक फ़ोटो ले लेता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास में ये फ़ोटो आ गया है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, मैं इसको कंट्रोल अल्ट की मदद से जूम कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसको जूम कर लिया है। अब आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको टूल बार में आ जाना है, और यहाँ पर आपको मैजिक वांड टूल, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद में अब आपको वाइट कलर को जो यहाँ पर सिलेक्शन बनाना होगा। तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं माउस का एक बार, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर इसका सिलेक्शन बन गया है, लेकिन अभी प्रॉपर यहाँ पर सिलेक्शन नहीं बन पाया है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, तो यहाँ पर आपको अपने कीबोर्ड से शिफ्ट बटन को दबाए रखना है, और यहाँ पर आपको देख सकते हैं ये प्लस आइकन में चेंज हो गया है। अब आपको यहाँ पर इस पर क्लिक करना है, जहाँ जहाँ पर भी ये सिलेक्शन नहीं हुआ है वहाँ वहाँ पर आपको क्लिक करते जाना है, तो वहाँ पर भी ये सिलेक्शन बन जाएगा कुछ इस प्रकार से, आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ इस प्रकार का यहाँ पर सिलेक्शन बना लिया है। अब सिलेक्शन बनाने के बाद में अब आपको क्या करना है, अपने कीबोर्ड से कंट्रोल जे प्रेस कर देना है, इसका कॉपी बन जाएगा। इसका कॉपी यहाँ पर बन चुका है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। मैं इस जो नीचे वाला लेयर है बैकग्राउंड वाला, इस पर मैं जो आँख दिख रही है आपको आई, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये जो शर्ट है यहाँ पर, इस शर्ट का यहाँ पर PNG बन चुका है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको दोबारा से शो कर देता हूँ। तो कुछ इस प्रकार से हमारा ये शर्ट का जो PNG है वो यहाँ पर बनकर तैयार हो गया है। अब उसके बाद में आपको क्या करना है, मैं इसको थोड़ा सा इधर की साइड कर लेता हूँ, इसका काम यहाँ पर इतना हो गया है। अब उसके बाद में हमें यहाँ पर जो भी आपको पैटर्न लगाना है इस फोटो के ऊपर, वो आप यहाँ पर लेकर आ जाइए। तो यहाँ पर हम फाइल पे क्लिक करते हैं, ओपन पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पर मेरे पास में एक पैटर्न है। अगर आपको ये पैटर्न चाहिए तो मैं यहाँ पर इस पैटर्न का जो डाउनलोड लिंक है वो मैं आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। अब उसके बाद में इस फोटो को हमें इस पर लेके आना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम टूल बार में आ जाएंगे और मूव टूल को सिलेक्ट कर लेंगे। मूव टूल को सिलेक्ट करने के बाद में अब यहाँ पर इसको पकड़ के इस फोटो को और यहाँ पर छोड़ देना है कुछ इस प्रकार से। दोस्तों, हम इस फोटो को यहाँ से हटा देते हैं, उसके बाद में यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अब इस फोटो का जो साइज़ है, रेजोल्यूशन है, वो थोड़ा सा ज़्यादा है दोस्तों, इसलिए थोड़ा सा इतना बड़ा यहाँ पर आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल अल्ट दबाएंगे, अपने कीबोर्ड से दबाए रखेंगे और इसको थोड़ा सा छोटा कर लेंगे कुछ इस प्रकार से। उसके बाद में कंट्रोल टी दबाएंगे अपने कीबोर्ड से और ये ट्रांसफॉर्म में आ जाएगा। इसको हम शिफ्ट अपने कीबोर्ड से शिफ्ट बटन को दबाए रखेंगे और इसको थोड़ा सा छोटा कर लेंगे कुछ इस प्रकार से यहाँ पर। तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ। अब कंट्रोल अल्ट दबाएंगे अपने कीबोर्ड से और इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ कुछ इस प्रकार से। अब उसके बाद में इसको हमें शर्ट वाले एरिया में लगा देना है कुछ इस प्रकार से। अपने आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, मैं यहाँ पर शर्ट वाले जो एरिया है वहाँ पर मैं इसको फिल कर रहा हूँ कुछ इस प्रकार से। मैंने यहाँ पर इसको लगा दिया है, बिल्कुल हमारा यहाँ पर शर्ट बिल्कुल नहीं दिख रहा है। अब उसके बाद में ऊपर हम राइट पे क्लिक कर देंगे। कुछ इतना करने के बाद में अब यहाँ पर आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको नीचे वाले लेयर, इस वाले लेयर पे क्लिक करना है, फर्स्ट वाले लेयर, इस पर हम क्लिक करेंगे। जो हमने शर्ट का PNG बनाया था उस शर्ट पर हमें क्लिक करना है, और यहाँ पर हमें कंट्रोल के साथ में इस पर एक बार और क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में अब आप लोग देख सकते हैं, जो ये पीछे की इमेज थी, पैटर्न था, इसके ऊपर यहाँ पर शर्ट का जो यहाँ पर डिजाइन है वो बनकर आ गया है। मैं आपको थोड़ा सा जूम इन करके आपको दिखा देता हूँ, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये शर्ट का जो डिजाइन है वो यहाँ पर सिलेक्शन बना हुआ यहाँ पर आ रहा है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर सिलेक्शन बनकर ही आ जाएगा। अब मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ कुछ इस प्रकार से। अब उसके बाद में आपको क्या करना है, ऊपर वाले लेयर पर आपको क्लिक कर देना है। जो आपका ये जो पैटर्न था, जो आपकी फ़ोटो थी, ये जो इमेज थी, इस पर आपको क्लिक करना है ऊपर वाले लेयर पे। और क्लिक करने के बाद में आपको क्या करना है, अपने कीबोर्ड से कंट्रोल अल्ट और जी को प्रेस कर देना है। कंट्रोल अल्ट जी को प्रेस करने के बाद में अब आपको क्या करना है, कंट्रोल डी करना है अपने कीबोर्ड से, तो ये डिसलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको ऊपर नॉर्मल में आपको क्लिक कर देना है,
यहाँ पर आपको इमेज वाला ये जो शर्ट पे हमने जो ये पैटर्न लगाया था इस वाले इमेज को सेलेक्ट करना है, और यहाँ पर आपको ऊपर नॉर्मल पे क्लिक करना है ब्लेंडिंग ऑप्शन पे, और यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई पे क्लिक कर देना है। मल्टीप्लाई पे क्लिक करने के बाद में अब यहाँ पर आपको इस वाले लेयर पे क्लिक करना है, इस वाले पे ही, और यहाँ पर आपको डबल क्लिक कर देना है। डबल क्लिक करने के बाद में ये ब्लेंडिंग ऑप्शन आपके सामने ओपन हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। अब इस वाले आप ऑप्शन में आपको आ जाइए, यहाँ पर डिस लेयर पर आ जाइए, और यहाँ पर आपको इस वाले पॉइंट को पकड़ के और यहाँ पर आपको इसको थोड़ा सा कम कर देना कुछ इस प्रकार से। यहाँ पर कम करने के आप अपने हिसाब से दोस्तों यहाँ पर कम कर सकते हो कि कितना आपको यहाँ पर चाहिए, तो उस हिसाब से दोस्तों आप यहाँ पर कम कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने कुछ इतना यहाँ पर रख, मैं थोड़ा सा और यहाँ पर कर देता हूँ, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा और इसको बढ़ाता हूँ ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे हमारा ये। तो यहाँ पर मैंने लगभग यहाँ पर मैं इसको 119 के आसपास मैंने यहाँ पर कर दिया है। उसके बाद में मैं यहाँ पर ओके पे क्लिक कर देता हूँ। ओके पे क्लिक करने के बाद में अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि कितनी आसान तरीके से हमने यहाँ पर शर्ट का कलर यहाँ पर चेंज कर लिया है। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों आप भी अपने फोटोशॉप के अंदर बड़ी आसानी से यहाँ पर शर्ट का कलर चेंज कर सकते हो। सो आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, आप लोग सीख गए होंगे कि फोटोशॉप के अंदर शर्ट का कलर कैसे चेंज किया जाता है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले, और इसी तरह की इंटरेस्टिंग और यूजफुल वीडियो देखने के लिए नीचे आ रहे रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को दबा दीजिएगा, और बगल में आ रहे पहले कलर बटन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टिप्स नए ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।